यहां पे क्या करूंगा, यहां पे ओके लगाऊंगा और यहां पे एच लगाऊंगा, और ऐसे ही इस बॉन्ड को भी ब्रेक करूंगा, यहां पे ओके लगाऊंगा और यहां पे एच लगाऊंगा। तो यहां से क्या बाहर निकला, ATOH, ATOH क्या बाहर निकाल दूंगा, दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल, और यहां पे बनेगा क्या, CHR C डबल बॉन्ड O पोटेशियम, C डबल बॉन्ड O पोटेशियम। अगर मैं पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन लिख दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अगर पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन लिख दूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो मैं क्या करूं, यहां पे मैं डाइल्यूट HCl डाल देता हूं, डाइल्यूट HCl डालूंगा तो यहां से पोटेशियम, यहां से Cl बाहर क्या निकल जाएगा, KCl, दो पोटेशियम दो Cl, दो KCl बाहर, अच्छा, और यहां पे लग जाएगा हाइड्रोजन, इसे मैं ऐसे लिखता हूं CHR COOH COOH। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद हीट किस टेम्परेचर पर करेंगे, 423 से 473 केल्विन पे इसे हीट करेंगे। जब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से यहाँ पे प्रोसेस होगी डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के बाद यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकली सी, और ये H इस कार्बन के जुड़ गया तो क्या बना, RCH2COOH। यानी इन मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, हमें ये समझना है, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने क्या किया था, अभी तो मैंने एक ही अल्काइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे मैं वो रिएक्शन भी लिखता हूँ जिसमें मैंने दो अल्काइल ग्रुप लगाए हैं, CRRC डबल बॉन्ड OET। रिएक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा, आपने बेस डाला, बेसिक हाइड्रोलिसिस, बाहर क्या निकलेगा, यहां से दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओके सी आर आर सी डबल बॉन्ड ओ पोटेशियम, फिर आप क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे, यहां से H, यहां से O, Cl बाहर, यहां से K बाहर, KCl बाहर निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स, C डबल बॉन्ड ओ OH, ऐसे लिखूंगा सी आर आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, और जब आप इसे हीट करेंगे 423 से 473 केल्विन के बीच तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक CO2 बाहर, R C R, यहाँ पे एक H और एक COOH ग्रुप, ये कंपाउंड बनेगा फाइनली। तो हम क्या कह रहे हैं, हम मेलोनिक एस्टर से क्या कर सकते हैं, मेलोनिक एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं, मेलोनिक एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि हमने लिया, तो अगर पूरी रिएक्शन देखें तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, हमने लिया था ये सी डबल बॉन्ड ओ, अगर हम इसकी पूरी रिएक्शन देखें, सी डबल बॉन्ड ओ ओ इथाइल और सी डबल बॉन्ड ओ ओ इथाइल, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें बेस डाला, बेस क्या था, ओईटी माइनस इथोक्साइड, बेस से क्या बनेगा, ये पहला स्टेप था हमारा, बेस से इनोलेट बना था, और दूसरा स्टेप हमने इसमें डाला अल्काइल हैलाइड। अगर सिंपली समझे तो इन दो स्टेप से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, मैं ऐसे लिखता हूं ओ इथाइल सी डबल बॉन्ड ओ सी एच आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ इथाइल। इसके बाद क्या होगा, अगर मुझे ये दूसरा हाइड्रोजन हटा के दूसरा अल्काइल ग्रुप लगाना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से पहले स्टेप में इथोक्साइड ही डालूंगा, OET माइनस, यहाँ पे Na पॉजिटिव मिले गए क्योंकि सोडियम इथोक्साइड होता है, और दूसरे स्टेप में डालूंगा अल्काइल हैलाइड, क्या होगा, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप और लग जाएगा, ओ इथाइल सी डबल बॉन्ड ओ सी आर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ इथाइल। अच्छा, इसके बाद मैं रिएक्शन को फर्दर एक ही अल्काइल ग्रुप लगाने के बाद भी करवा सकता हूँ और दो अल्काइल ग्रुप लगाने के बाद भी करवा सकता हूँ, तो मैं दोनों तरफ से कराता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लीजिए डाला KOH पहले स्टेप में, जो पहला स्टेप है, और दूसरे स्टेप में डाला डाइल्यूट
HCl. तो ओवरऑल क्या होगा, यहां से ये OET हट जाएगा, ये OET हट जाएगा. पहले स्टेप में क्या निकल रहा था, इथेनॉल निकल रहा था. दूसरे स्टेप में क्या निकल रहा था, KCl निकल रहा था. ये दोनों निकलेंगे, यहां पे क्या बनेगा, मैं ऐसे लिखता हूं आर सी एच, एस्टर हटा के हमें एसिड बनाना है, आर सी ओ ओ एच.